जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। तैयारी हो गई टेस्ट की आप लोगों की? यस मैम। पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना? ओके मैम। ये प्रश्न टेस्ट पूछेंगे, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर लिखना है, आंसर देना है आप लोगों को बेटा। नहीं बेटा, जयती हमारी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को आ जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है हमारी? दर्शील, तैयारी हो गई आपकी? काशवी, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। काशवी, बेटा आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? यस मैम। जो जो अभी हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से आप लोग सुनेंगे, कोई भी बुक निकाल करके नहीं बैठेगा। ध्यान से आप लोगों को सुनना है और जो प्रश्न किया जाएगा उसका आप लोगों को आंसर देना है। आप लोग का आज सब्जेक्ट इंग्लिशमेंट का लिसनिंग टेस्ट है, ठीक है? मैम ओरल टेस्ट होगा? लिसनिंग है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन के हमें आंसर देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, ध्यान से सुनिए। यस मैम। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है। मिट्टी के कण कण से ही या पृथ्वी बन जाती है। एक बार और दोहराया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कण कण से ही या पृथ्वी बन जाती है, ठीक है? अब आप लोगों को क्वेश्चन का है ना, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चैती रेडी है? वीडियो ऑन करिए अपना। बेटा वीडियो ऑन करिए, चाहती है? चलिए, गुलदस्ता कैसे बनता है? गुलदस्ता कैसे बनता है बताइए। चाहती आपसे पूछा जा रहा है गुलदस्ता कैसे बनता है, आंसर दीजिए।
बेटा आंसर दीजिए हमें। आंसर दीजिए, गुलदस्ता कैसे बन जाता है, कैसे बनता है, समय की जो कीमत समझता है वह क्या कहलाता है, बताइए। मार्क्स नोट हो रहे हैं, नंबर नोट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए। चलिए, आपको नहीं मालूम है? अक्षय अनम्यूट करिए अपने यस आप मैम। को, वीडियो ऑन करिए बेटा। यस मैम। हाँ, जो कविता पढ़ा, जो कविता हमने पढ़ा वो समझ में आया आपको? यस मैम। चलिए, मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? मिट्टी के कण कण पृथ्वी बन जाती है। छोटी छोटी जल की बूंदे क्या बनकर लहराती हैं? गुड। समय की जो कीमत समझता है वह क्या कहलाता है? होशियार भाई। समय की जो कीमत समझता है वह क्या कहलाता है? गुड। गुलदस्ता कैसे बनता है? गुलदस्ता फूलों के गुच्छों से बनता है। गुड। अभी आप लोग क्लास से नहीं जाएंगे, क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, इसके बाद आप लोग का स्पीकिंग होगा। अभी ये लिसनिंग एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो स्पीकिंग एग्जाम भी आप लोगों का होगा, इसलिए क्लास से भी आप लोग नहीं जाएंगे। स्पीकिंग मतलब हम कोई सा भी प्रश्न आप लोगों से मैं यस पैराग्राफ दोगे, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलिए, चैत्य आंसर बताइए। बट अनम्यूट करिए अपने आप को, चैत्य अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, तैयार है आप आंसर के लिए? यस न, बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, अनम्यूट करिए। मैम कौन सी स्टोरी? स्टोरी कोई सी नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको सुनाना है। जो कविता yes, हमने अभी पढ़ी है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको आंसर देना है, ठीक है? चलिए, यस। ईंट से ईंट जुड़ने पर क्या बन जाता है? ईंट से ईंट जुड़ने पर क्या बन जाता है? ईंट से ईंट जुड़ जाने पे क्या बन जाता है? आंसर दीजिए। धैर्य आंसर दीजिए, ईंट से ईंट जुड़ने पर क्या बन जाता है? नहीं पता आपको? बताइए बेटा, कौन सी क्लास? मैम क्लास फॉर हिंदी का टाइमिंग है 1:05। नहीं पता आपको? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। चलिए आगे, मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोगों को। अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। बताइए, ईंट से ईंट जुड़ने पर क्या बन जाता है?
घर। गुड। समय की जो कीमत समझता है वो क्या कहलाता है? समय की जो कीमत समझता है वो क्या कहलाता है? मैं नहीं पता। समय के छोटे से छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाते हैं? समय के छोटे से छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाते हैं? समय का जब छोटा छोटा हिस्सा मिलता है तो क्या बनता है बेटा? गुलदस्ता। कैसे बनता है? नंबर नहीं मिलेगा आपको, आप मत बताइए, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, मत बताइए आप आंसर। कौन सा आंसर? गुलदस्ता। गुलदस्ता कैसे बनता है? फूलों से। गुड। चलिए अभी स्पीकिंग भी होगा, आप लोग तैयार रहेंगे स्पीकिंग के लिए। चाहते अनम्यूट करिए अपने आप को, अपना वीडियो ऑन करके आइए। तैयार है आप आंसर के लिए? दर्शील अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। चलिए बेटा तैयार है? छोटी 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 जल की बूंदे क्या बनकर लहराती हैं? मैम क्या बोले? छोटी छोटी जल की बूंदे क्या बनके लहराती हैं? मैम सागर बनके लहराती है। समय की जो कीमत समझता है वह क्या कहलाता है बताइए? बुद्धिमान। गुड। गुलदस्ता कैसे बनता है? फूल फूल को जोड़कर गुलदस्ता बनता है। गुड। मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है बेटा? बताइए मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? पृथ्वी, धरती। गुड। गुड दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनमोल अनम्यूट करिए अपने आप को। अनमोल ऑन करिए बेटा। मैम। यस अनमोल वीडियो ऑन करिए अपना, अनम्यूट करिए। अनमोल है। हाँ चलिए तैयार हैं आप? यस मैम। सागर। सागर कैसे बनती है? सागर कैसे बन के लहराती है क्या मिलने से? मैम पानी से। पानी मैम छोटी छोटी जल से सागर बन जाती है। गुड। कैसे बन जाती है? मैम पृथ्वी। यस मैम छोटे छोटे कण छोटे छोटे मिट्टी से छोटे छोटे मिट्टी से पृथ्वी बन जाती है। गुड। वेरी गुड वेरी गुड। समय के छोटे छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाता है? समय के छोटे 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 हिस्से से कण बन जाता है। ध्यान से सुनिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। समय के छोटे से छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाता है? मैम युग। गुड वेरी गुड। गुलदस्ता कैसे बनता है? मैम फूल से फूल जुड़े तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो घर बन जाता है।
गुड, वेरी गुड। ऐसी आए लक्ष्य तैयार है यार। अनम्यूट करिए अपने आप को लक्ष्य। यस मैम। चलिए, अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे आप तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाए, है ना, नहीं माना जाएगा प्रेजेंट में क्लास में। ठीक है, चलिए ईट और ईट के मिलने से क्या बन जाता है बेटा, बताइए ईट और ईट के मिलने से क्या बनता है। छोटी छोटी जल की बूंदें जब मिलती हैं तो क्या बन जाती हैं? लक्ष्य आंसर दीजिए। छोटी छोटी जल की बूंदें जब मिलती हैं तो क्या बन जाता है? बताइए बेटा। चलिए बाद में आप बताइएगा, अभी आपकी आवाज अब नहीं आ रही है। लक्ष्य अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए। यस मैम। तैयार है आंसर के लिए? तैयार है। चलिए, बहुत सारे ईंटों को जब हम जोड़ते हैं लक्ष्य तो क्या बन जाता है? ईंट से ईंट जोड़ते हैं तो मैम घर बन जाता है। वेरी गुड। सागर कब, सागर बन के कब लहराती हैं? सागर बन के कई देर साथ मिलती है तो सागर बन जाता है। गुड। माँ, समय के छोटे से छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाता है? युग। गुड। छोटी छोटी जल की बूंदे क्या बनकर लहराती हैं? समुद्र। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी स्पीकिंग भी आप लोगों का होगा ना, अभी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है मैम। यस, एक मिनट बोलिए बेटा, बोलिए, अनम्यूट करिए। मैं ये पूछ रहा था कि ओरल होगा कि रिटर्न होगा? आप लोग का रिटर्न नहीं होगा, ओरल ही होगा, होगी ओरल एग्जाम होगा। थैंक यू मैम, ओरल ओरल। ओके, अभिषी रेडी हैं आप? यस मैम। ओके चलिए, युग कैसे बनता है, युग कब बन जाता है बेटा? युग कब बन जाता है? मैम जब बहुत लंबा समय होता है। हाँ मैम, जब बहुत लंबा समय होता है। यस मैम। गुड। गुलदस्ता कैसे बनता है? फूलों के गुच्छे से। ईट से ईट जुड़ने पर क्या बन जाता है? ईट से ईट जब हम मिलाते हैं, एक के ऊपर दूसरे ईट को हम रखते हैं तो क्या बन जाता है? घर। घर बन जाता है। ठीक है, माँ एक मिनट, चैप्टर की स्पेलिंग क्या है? मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? पृथ्वी। गुड, वेरी गुड। मम्मा चैट लिख दिया, चैटर की स्पेलिंग में चैट लिख दिया। ठीक है मम्मा। अच्छा, चैट किस स्पेलिंग में? अक्षय, अक्षय
तैयार है पांच के लिए? यस मैम। चलिए। यस मैम। मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? पृथ्वी। मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? पृथ्वी। गुड। समय के छोटे से छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाता है? युग। गुलदस्ता कैसे बनता है? फूलों से। ईंट से ईंट जुड़ने पर क्या बन जाता है? घर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिशा अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। प्रिशा। यस मैम। चलिए बुद्धिमान कौन कहलाता है? मैम बुद्धिमान वो कहलाता है जो समय के मूल, जिसको समय का हर एक मूल पता रहता है। युग कैसे बन जाता है? युग कैसे बन जाता है? पल पल, पल पल को जोड़ने से युग बन जाता है। वेरी गुड। गुलदस्ता कैसे बनता है? प्रिशा। फूलों के गुच्छे से गुलदस्ता बन जाता है। फूलों के गुच्छे से गुलदस्ता बन जाता है। मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? बताइए, मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? प्रिशा आंसर दीजिए बेटा, मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? कविशा अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करो कविशा। यस मैम। रेडी आंसर के लिए? यस मैम। चलिए, सुंदर घर कब बन जाता है? एक से एक जोड़ने से सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें जब मिलती हैं तो क्या बन जाता है? छोटी छोटी जल की बूंदें जब मिलती हैं आपस में आकर के तो क्या बन जाता है? सागर। गुड। मिट्टी के कण कण से क्या बनता है? मिट्टी के कण कण से पृथ्वी बनती है। युग कैसे बनता है? बहुत लंबा समय जब हो। बुद्धिमान कौन कहलाता है? परीक्षा बुद्धिमान कौन कहलाता है? बुद्धिमान कौन कहलाता है बेटा? बुद्धिमान कौन कहलाता है बताइए? मैम ये वाला आंसर याद नहीं है। अरे बुद्धिमान कौन कहलाता है? अभी आप लोग की कौन सी क्लास है? हिंदी की क्लास है ना? हिंदी की क्लास आप लोग की अभी स्टार्ट हुई है, तो आप समय से आए हो कि नहीं आए हो? आप क्लास में समय से आए हैं कि नहीं आए हैं? आप समय से क्लास में आए हैं ना? तो बुद्धिमान कौन कहलाता है? जो समय से सब कुछ करे। गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। लक्ष्य क्या डाउट है आपको? क्या डाउट है बेटा लक्ष्य आपको? अभी जो आपने लास्ट आंसर पूछा था वो मैम गलत बोला है कविशा ने। कौन सा आंसर बेटा? कि मैम वो बुद्धिमान कौन कहलाता है? बुद्धिमान कौन कहलाता है? जो समय के हिसाब से कार्य करता है, जो समय
समय की कीमत समझता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। अंदर तो ये है कि जो समय का मूल जानता है वो बुद्धिमान होता है। हाँ हाँ वही है, मीनिंग वही है, जो समय की कीमत समझता है, समय का मोह समझता है, समय से कार्य करता है, सब वही की आंसर है। ठीक है, गुड। ओके मैम, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट अगर आपको हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैत्य प्रेजेंट है बेटा, क्लास में आप है कि नहीं है, आपका एब्सेंट लग गया यहाँ पे। माही अनम्यूट करो बेटा, माही अनम्यूट करिए, माही। यस मैम। अभी जो हमने कविता पढ़ी है ना, हमने जो अभी कविता पढ़ी थी, कविता का नाम क्या है? समय का मूल। वेरी गुड, समय का मूल है ना। फूल और जब हम फूलों को मिलाते हैं, बहुत सारे फूलों को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है उससे? फूलों के गुच्छों को मिला के गुलदस्ता बनता है। गुड, जब हम एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा ईंट रखते हैं, ऐसे बहुत सारे ईंटों को हम जब रखते चले जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? ईंट से ईंट जुड़े तो घर बन जाता है। वेरी गुड, सागर कंपन के लहराती हैं, क्या चीज मिलने से सागर बन जाती है? क्या चीज मिलने से? बूंद से बूंद मिले तो सागर बन जाता है। वेरी गुड, युग कैसे बनता है माही? युग कैसे बनता है? पल पल जोड़ने से युग बन जाता है। पल पल के जोड़ने से युग बन जाता है। और बुद्धिमान कौन कहलाता है? एक एक पल की कीमत समझने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चैप्टर समझ में आ गया आपको अच्छे से? वेरी गुड बेटा। यस मैम। ये कौन है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है, भगत करके लिखा हुआ है, कौन है ये? किस नाम से बैठे हैं आप? मैम अंश। अंश, गुड। नाम लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे आपका, रेडी अंश के लिए? आंसर के लिए रेडी है? Yes. पूछे प्रश्न आपसे? हाँ। छोटी छोटी जल की बूंदे मिलने से क्या बनता है? सागर। गुड, पृथ्वी कब बन जाती है? मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा, पृथ्वी कब बन जाती है? मिट्टी के कण कण जुड़ने से पृथ्वी बन जाती है। गुड, पल पल का जो मोल समझता है, पल पल की जो कीमत समझता है ना, टाइम से अपने सभी कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है? बुद्धिमान। गुड, छोटी समय के छोटे से छोटे हिस्से मिलकर क्या बन जाते हैं? समय के छोटे से छोटे हिस्से जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा? युग। वेरी गुड, वेरी गुड यंग्स। स्पीकिंग भी होगा आप लोग को, ऐसे ही आंसर देना है जैसे भी आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, यस मैम। गुड, किनका नहीं हुआ है? और विदित, विदित अनम्यूट करिए बेटा। गुलदस्ता कैसे बनता है? गुलदस्ता कैसे बनता है विदित? फूल के गुच्छे को गुलदस्ता कहते हैं। फूलों के गुच्छों को जब मिलाया जाता है, बहुत सारे है ना फूलों को मिलाया जाता है तो गुलदस्ता बन जाता है। ठीक है, छोटी छोटी जल की बूंदें क्या बन के लहराती हैं?
छोटी छोटी जल की बूंदे क्या बन के लहराती हैं? छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन जाती है। मिट्टी के कण कण से क्या बनता है, क्या बन जाती है? मिट्टी के कण कण से पृथ्वी बनता है। गुड। युग कैसे बनता है? यस, क्या बोले मैम? युग बेटा, युग कैसे बनता है? युग नहीं पता आपको? नहीं पता आपको युग कैसे बनता है? नो मैम। युग किसे कहते वो पता, लंबे समय को वो पता है, बता ना मैम को। युग किसे कहते वो पता है आपको, बताओ। पल, पल के छोटे छोटे हिस्से को युग कहते हैं। छोटे छोटे की बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े हिस्से को युग कहते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोहम रेडी आंसर के लिए? सोहम अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। चलिए, सुंदर घर कैसे बनता है सोहम? किन चीजों को जोड़ने से सुंदर घर बनता है बेटा? घर, यस मैम। सुंदर घर कैसे बनता है? ईट को ईट से जोड़ने से। गुड। छोटी छोटी जल की बूंदे जब मिलती हैं बहुत सारी तो क्या बन जाता है? सागर। गुड। मिट्टी के कण कण से क्या बन जाती है? पृथ्वी। वेरी गुड। बुद्धिमान कौन कहलाता है? पल पल का मोल समझता है वो बुद्धिमान कहलाता है। वेरी गुड। युग कैसे बनता है? युग कैसे बनता है? बहुत लाभ, बहुत लंबा समय का हिस्सा होता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज आप लोगों का लिसनिंग हुआ है, अब आप लोगों का है ना स्पीकिंग होने वाला है। तो नेक्स्ट जब क्लास आपकी होगी वेडनेसडे को, तो आप लोग का स्पीकिंग होगा। हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई सा भी हम आपको टॉपिक दे सकते हैं, उस टॉपिक में आप लोग हमें सुनाएंगे फाइव प्लान। ठीक है, आप लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। अभी क्लास का टाइम हो रहा है, जब वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी तब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कोई सा भी विषय हो सकता है, जो विषय हम आप लोगों को देंगे वो आप लोगों को हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, स्पीकिंग कितने अच्छे से आप बोल सकते हैं, कितने अच्छे से आप हमें बता सकते हैं, है ना, इसलिए टेस्ट होगा आप लोगों का। आज जो टेस्ट हुआ वो हमने कविता पढ़ी, आप लोगों ने सुना और सुन करके प्रश्नों का उत्तर दिया, इसे कहते हैं लिसनिंग। ठीक है, अब स्पीकिंग बचा है आप लोगों का जो वेडनेसडे को होगा। जो जिनका जिनका नहीं हो पाया है, जिन बच्चों ने आज नहीं बताया है, वो वेडनेसडे को बताएंगे, आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तनीश है ना, तनीश आप बेटा आज आपका नहीं हो पाया है, आप वेडनेसडे को तैयार रहेंगे, दोनों आपका टेस्ट होगा, लिसनिंग भी और स्पीकिंग भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। ओके बाय बेटा, बाय, सी यू। ओके बाय।